देश दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है और उसे आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा हाथ है देश के युवाओं का। हमारे नौजवान देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि तरक्की, गर्व और खुशी से जुड़ी सकारात्मक खबरों पर लोगों का आजकल उतना ध्यान नहीं जाता जितना कि कत्ल, रेप, चोरी या फिर मारधाड़ की खबरों पर जाता है। और आजकल तो बरेली की बिटिया ने सभी न्यूज चैनल्स को टीआरपी का अच्छा रास्ता दिखा दिया है। साक्षी मिश्रा के घर से भागकर शादी करने की खबरों को सबने दिखाया, सबने उस पर थूथू भी की, सबने उसकी निंदा की। घर से भागने वाली लड़की पर सबकी नजर रही, लेकिन जो देश के लिए इतना भागी उसकी सराहना करना लोग भूल गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश के लिए गर्व की बात है कि भारत की युवा स्प्रिंटर हिमा दास ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 15 दिनों के भीतर चौथा स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। जहां एक तरफ साक्षी मिश्रा ने अपने ही परिवार का नाम डुबाकर पिता की इज्जत तार तार करके बेटी के नाम को शर्मसार किया, तो वहीं देश की इस बेटी हिमा दास ने देश का नाम रोशन किया है, जिसने चेक गणराज्य में हुए टाबोर एथलेटिक्स टूर्नामेंट में 200 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण जीता। 19 साल की हिमा ने बुधवार को हुई रेस में महज 23.25 सेकेंड में पूरा करके गोल्ड अपने नाम किया। ये इस सीजन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा और इस शानदार प्रदर्शन से हिमा दास ने इतिहास कायम किया है। 2 जुलाई के बाद ये हिमा का यूरोप में हुए टूर्नामेंट में चौथा गोल्ड है। शानदार जीत हासिल करते हुए गोल्ड अपने नाम करके हिमा ने ट्वीट किया कि आज 200 मीटर में फिर एक स्वर्ण जीता और टाबोर में अपना समय बेहतर करके 23.25 सेकंड किया। उन्होंने 2 जुलाई को पोलैंड में हुई पहली रेस को 23.65 सेकंड में जीता था। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी सभी अहम खबरों को लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।